हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके जीके एंड लीगल अवेयरनेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस बार बीए एलएलबी एंट्रेंस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और लगातार आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो जितना मुझे टाइम मिला तो उसमें मैंने जो है, देखिए वैसे तो इसका सिलेबस बहुत जो है आपका, आपके जो एमयू ने सिलेबस किया जो मेंशन किया है उसमें सिर्फ जो है टॉपिक वॉपिक कुछ डिटेल में नहीं मेंशन किया, बस जीके लिख दिया है एंड लीगल इश्यूज वगैरह लिख दिया है। तो उस पर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो आपके पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। और अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और आपके एग्जाम से पहले जो है मैं और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। What is the theme of the World Health Day in 2022? क्या थीम थी उसकी? तो इसका सही आंसर है आपका Our Planet, Our Earth. What is the expansion of SDF introduced by the RBI? ये expansion basically full form पूछ रहा है, तो full इसका सही आंसर जो है ये standing deposit facility है। Next question, which country is the host of 2026 Commonwealth Game? तो इसका सही आंसर है आपका Australia. ये नाथाबेद सीमा दर्शन प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है आपका गुजरात में, ये अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेशन इसका किया। फोबोस इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? इसका सही आंसर है आपका मार्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच स्टेट हैज पास बिल टू ट्रांसफर द गवर्नर पावर्स इन अपॉइंटिंग वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी टू द स्टेट? इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। इंडिया हैज़ रिसेंटली ओपन्ड इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री? इसका सही आंसर है लिथुएनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2022 विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द लैंड? तो उसका सही आंसर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ये है, ये बेसिकली एक जाइंट टॉर्टॉइस है जोनाथन जिसका नाम है। ठीक, has resolved to clear all pending cases against sitting and former legislators time bound manner. तो इसका सही आंसर है आपका, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, विच बिल इज पास इन राज्यसभा टू ब्रिंग अ लॉ दैट पनिशेज दोज हु अटैक्ट हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स? तो इसका सही आंसर है आपका एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020। ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट लोकेटेड? जेनेवा। तो ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आप जो तुक्का भी मारते हैं तो जेनेवा ही मारते हैं ज़्यादातर बच्चे। विच कंस्टिट्यूशनल बॉडी हैज़ रिसेंटली मेड ऑब्जर्वेशन ऑन रुपीज़ 223 करोड़ एक्सपेंडिचर मेड बाई इंडियन एयरफोर्स? इसका सही आंसर है आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। विच बॉडी हैज ऑर्डर टू प्रोवाइड ड्राई राशन टू ऑल सेक्स वर्कर्स इन द कंट्री विदाउट इंसिस्टिंग एनी ऑन राशन कार्ड? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड दैट नो गोरखा सिटीजन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955? तो इसका सही आंसर जो है आपका आसाम। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स ऑफ? ये है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेटअप इन विच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 1992। विच वॉट इज द टाइप ऑफ GST टैक्स? तो GST किस टाइप का टैक्स है? आंसर इसका है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड बाई होम? तो इसका सही आंसर है आपका गवर्नर। द GSTIN ये जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN कितने नंबर इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? इसका आंसर है 15। Which article says untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका आर्टिकल 17। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई होम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हैंड रिटन लिखा था और कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लिए थे। हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस? इसका सही आंसर है आपका एम्स ने। विच कंट्री हैज फाउंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश? तो इसका आंसर है कंबोडिया। विच कंट्री बिकेम्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल 2021? कौन बना था? तो इसका सही आंसर जो है आपका
वो है आपका यूएस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर कम्स अंडर, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? इसका आंसर है आर्टिकल 23 में. राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, ध्यान रखिएगा, इज अ लीगल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. अब इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं, कौन सा नहीं है? तो आंसर जो है इसका राइट टू स्ट्राइक. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाई विच अमेंडमेंट. तो ये कौन से अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया था? इसका सही आंसर है आपका 44. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं होती है. एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये नहीं होती है. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट कीजिए, और साथ साथ अगर बाई मिस्टेक किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको कमेंट कीजिए, और मैं इसको क्रॉस चेक करके उसको या तो कम्युनिटी टैब में या फिर पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा. थैंक यू.